तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर व्लॉग। तो आज का सीन ये है कि गाइस, मैंने फर्स्ट टाइम है ना हेलमेट स्टैंड को लगाया है। तो आने आने तो हेलमेट स्टैंड पहली बार लगाया है, तो इसके लिए आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी पता नहीं, मतलब कि वीडियो रिकॉर्ड तो हो रहा है पर साउंड रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। और ये मोबाइल ना, मतलब कि ये हेलमेट ना इतना स्टेबल नहीं है, मतलब कि ये हेलमेट स्टैंड लगाने के लिए। तो लगाया तो लगाया हूँ भाई, कैसा बन रहा है बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। तो देखते हैं क्या होता है आगे हमारे, मतलब कि आज का सीन क्या है बताए कि अरे जो हमारे कॉलेज में इलेक्शन हुआ था ना, उसने जो जीतने वाले कैंडिडेट होते ना हमें पार्टी दी है। आज एक सिंगल ने दिया है, मतलब कि जीएस ने दिया है, जीएस मतलब जनरल सेक्रेटरी ने दिया है, जनरल सेक्रेटरी ने हमने को पार्टी दी है। पार्टी होगी आपको घूमी में, तो वहाँ तक जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या नहीं होता है क्या होता है। तो आज का फर्स्ट एक्सपीरियंस है मतलब कि हेलमेट स्टैंड का, तो ठीक है थोड़ा दबाकर देखते हैं। चलो गाइस लेट्स गो। तो भाई साहब आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है मेरा आज ये हेलमेट स्टैंड का। तो मेरे पीछे बैठे हैं अमीनुल भाई, इमरान भाई, इंटकुर भाई, बिटू भाई, जाहिद भाई, वो सब लोग आगे चले गए हैं। तो ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहा क्योंकि अगर गिर गया ना तो मेरा हेलमेट तो ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो गाइस तो जाते हैं बाय। भाई शिव, तो गाइस गाड़ी के ब्रेक ना थोड़े कम लग रहे हैं, हालांकि ये मेरी गाड़ी नहीं है, मेरे चाचू की है। और मेरे भैया की जो गाड़ी है वो मतलब कि आज बहुत दूर ले जाने वाले हैं, एक मतलब कि दुबारा ले जाने वाले हैं कोई, इसलिए मैं वो नहीं ले पाया। पर आपको दिखाएंगे ज़रूर, आपको उससे भी ब्लॉग मिलेगा, इससे भी मिलेगा, सब ना हम गरीब लोग हैं यार, हमें बस एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। एडजस्ट ज़िंदगी में वही एडजस्ट करके चल रहा हूँ अभी तक। ना तो चलिए हमारे दोस्तों को। अरे यार इस रास्ते में ना बहुत जानवर खड़े रहते हैं शायद, इसलिए डर लगता है कोई सामने से यार आके ना आ जाए। अगर एक जानवर मार देना तो पूरे खानदान का पैसा देना पड़ेगा, बोलेंगे कि इससे दो बच्चे होंगे, उससे भी चार बच्चे होंगे ऐसे ही। तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है आपको मेरे चैनल में मोटो ब्लॉगिंग, तो बिल्कुल बिल्कुल भाई कॉमेंट में ज़रूर जानवाना यार। अमीन भाई हाल कैसा है आपका, हाल कैसा है? अच्छा है। तो यहाँ पे मंदिर है, मानसा मंदिर। तो गाइस ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना चाहिए। और एक बात है गाइस, अगर आप लोग ना मोटो व्लॉगिंग करते हो उससे एक ऐसी बात अच्छी हो जाती है लोगों की, मोटो व्लॉगिंग ही नहीं, आप लोग अगर कुछ भी व्लॉगिंग करते हो तो, या फिर आपको बाइक में राइड करते हो तो उसकी बात देखो, अगर आप राइड करोगे ना तो आपका हेलमेट, अगर व्लॉगिंग करोगे मोटो व्लॉगिंग तो आपका हेलमेट चाहिए होगा, मतलब स्टैंड लगाने के लिए। और हेलमेट से क्या काम होता है आप लोगों को तो बिल्कुल पता ही है कि गाइस, अगर आप हेलमेट लगाएंगे तो आप सेफ रहेंगे। तो हेलमेट लगाओ गाइस, सेफ रहो, हेलमेट लगाओ सेफ रहो, मोटो व्लॉगिंग हो या फिर कुछ भी व्लॉगिंग हो। अगर आप बाइक से राइड करते हो तो एक यूट्यूबर के लिए एक आदत अच्छी हो जाती है, कैमरा की वजह से ही, पर कैमरा की वजह से आपकी जीवन भी बच जाती है, सेफ लाइफ सेफ हो जाती है उससे। तो गाइस आप लोग आज इस गाड़ी से हम ब्लॉग बना रहे हैं, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो एक ना एक दिन Z900 या फिर Z1000 ज़रूर खरीदेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर खरीदेंगे। तो थोड़ा सा तेज चलाते हैं अभी। आवाज़ कैसी आ रही मुझे बिल्कुल भी पता नहीं, अगर आवाज़ बुरी हुई ना तो गाइस यार मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, जो भी जो मैं हाथ से करूँगा वही वीडियो अपलोड करूँगा। और क्योंकि यार आपने तो मेरे एक वीडियो में देखा होगा, मैंने देसी जुगाड़ लगाया था एक माइक बनाने के लिए, उसी माइक को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी तक मैंने आज तक ये टेस्ट नहीं किया था, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया था कि ये माइक मोटो ब्लॉगिंग करने पर, हेलमेट स्टैंड पर लगाने पर कैसा काम करेगा। मुझे तो आवाज़ बहुत आ रही है, हवा की आवाज़ उस बाहर की आवाज़ सब कुछ आ रही है गाड़ी की आवाज़, पर आपको नॉइस आ रहा है कि क्लियर वॉइस आ रहा है भाई, वो तो पता चल ही जाएगा ना वीडियो में है कि नहीं। तो गाइस फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, रहता बुरा नहीं है, मतलब कि हेलमेट सही नहीं है मेरा,
बस वही वही बात है, बस हेलमेट सही नहीं है। अगर हेलमेट सही होगा ना तो सब कुछ हो जाएगा, अगर सब कुछ हो जाएगा, अगर हेलमेट सही हुआ तो सब कुछ हो जाएगा। गाड़ी में ब्रेक कम लग रही है यार, भाई साहब हो गया हो गया। कुछ हो गया शायद, क्या हो गया, गाड़ी बंद हो जा रही है उनकी, हो गया। चलिए भाई साहब, इन अंकल की ना साइकिल की चेन गिर गई है। तो गाइस अगर आप मोटो व्लॉगिंग करते हैं ना हेलमेट स्टैंड के साथ, तो एक बात अच्छी हो जाती है, तो आपको ज़्यादा शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर हेलमेट के अंदर ही बात करते रहोगे तो गाइस ये हमारे फाइजर भाई का घर है, तो यहाँ पे नहीं होने वाला पार्टी, कहीं और होगा। हाँ तो गाइस एक्सपीरियंस आज ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहा तो ज़्यादा बुरा भी नहीं रहा, तो क्या होता है क्या नहीं देखते। जूता खोलना पड़ेगा क्या, चलते हैं चलते हैं। ये लोग कहाँ गए यार, सीधा। तो गाइस फर्स्ट एक्सपीरियंस, बड़ा कष्ट होता है यार। ये लोग जो ना मोटो व्लॉगिंग करते हैं सब लोग, कसम से यार बड़ा तकलीफ होता है। अगर आपको प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं मिलती, प्रॉपर चीज़ नहीं मिलती सबके लिए। ओ क्या हुआ, चलो क्या हो गया गाइस, पता नहीं इस बार लोगों को तेल की दिक्कत। हम वैसे भी हम स्टूडेंट लोग हैं यार, हमें तो तेल की दिक्कत होगी ही होगी। और वैसे क्या तेल का रेट क्या हो गया, 100 रुपये में 1 लीटर भी नहीं मिलता। तो हम चलते हैं, वो लोग आते रहेंगे। देखो तो यार मोटो व्लॉगिंग करना इतना आसान नहीं है, अब मुझे करने के बाद पता चल रहा है कि फर्स्ट एक्सपीरियंस ही इतना, मतलब कि यार ये जो है ना UK07 राइडर आमिर माजिद, बी आर बाइकर, सैमी मानिक, जानू स्टांस, बहुत सारे यूट्यूबर है ना, इतने सारे मोटो व्लॉगर हैं गाइस, ये लोग मेहनत बहुत करते हैं। आज मुझे पता चला मेहनत इनकी बहुत है, उनकी मेहनत बहुत है। तो गाइस स्टूडेंट्स अभी स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, तो यार क्या बताओ यार, चलो क्या भाई लोग, लड़की के पीछे औरत का चक्कर बाबू भैया कोई आ रहेगा तो अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला है कि हमारा जो पार्टी होने वाला है वो पार्टी तो एक पिकनिक के जैसा होने वाला है, मतलब कि एकदम नेचुरल प्लेस में नदी के पास होने वाला है। तो यहाँ से जाते हैं नदी की तरफ, नीचे है ना ये तो मुँह के नीचे थोड़ा सा वहाँ पे लग रहा है हेलमेट स्टैंड की वजह से, ये कम्फर्टेबल नहीं है, पर फिर भी बना रहा हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना है। तो गाइस ये ब्रह्मपुत्र, गाइस पूरी पूरा पानी सूख गया है। वो कहाँ पे होने वाला है, थोड़ा आगे होने वाला है शायद। देखो गाइस और ये जो नया रोड बन रहा है ना, ये डायरेक्ट क्या समझ नहीं पा रहा क्या, तो ठीक है रोकने के लिए बोला और मेरा मोबाइल भी थोड़ा डाउन में चला गया। तो गाइस दोस्त आ चुके हैं, तो चलिए ये लोग रेस के चक्कर में हैं ये व्यू मोटर का, तो ये लोग रेस के चक्कर में हैं, तो हम भी किसी से कम नहीं। हाँ
टेक ऑफ भाई। तो दोस्त लोग आ रहे हैं वहाँ पे। ओ गाइस वो देख लिया हमने, ओ मेरी जान। तो ये लोग रेस के चक्कर में हैं, तो थोड़ा बहुत हम भी दौड़ते हैं। ओए भाई साहब क्या कर रहे हैं, पागल है क्या? ओ भाई जुल भाई, ओ भाई जुल भाई, ओ भाई जुल भाई, अबे पागल है क्या? स्पीड से आकर ऐसे क्यों डाल लेता है? तो सब लोग तो गाइस देख सकते हैं आप सब लोग, गाइस लड़के कैसे यार कॉलेज के बंदे ही भरे भरे हुए हैं। तो अभी शर्म आ रही है भाई का वीडियो बनाने में, तो तो वैसे चलते हैं नीचे यहाँ से। तो गाइस मेरा मोबाइल पे ना बहुत डर लग रहा है यार, अगर कहीं पे गिर गया ना तो गाइस मेरा चौपारी में सुलह जाऊंगा मैं। देखो व्यू, ये नदी है नदी के बीच में वो हेलीकॉप्टर ऊपर आप शायद दिख रहे होंगे, हेलीकॉप्टर मेरे वीडियो में नॉइस कर रहा है। तो कॉलेज के बंदों को देखो जो पार्टी करने आए हैं, ओ भाई कॉलेज के बंदे वहाँ पे यहाँ पे यार कहाँ कहाँ भाग रहे हैं। तो गाइस आमिर मस्जिद जैसा फीलिंग हो रहा है कि एक बार बताओ ना कि एक समय ना आमिर मस्जिद जैसा ज़रूर बनाऊंगा, आमिर मस्जिद किस तरह से बनाते तो दो लोग पहचानेंगे ज़रूर। हेलो मेरा बैग, अरे मेरा बैग पास में, तो वहाँ पे भी स्टैंड है तो स्टैंड से भी करेंगे। तो गाइस कुछ अलग ही फीलिंग हो रही है आज, तो शर्म भी आ रही है, लड़कियाँ भी है बहुत सारे। तो हेलमेट स्टैंड ना इस वाले हेलमेट में जाते अच्छी तरीके से फिट नहीं हो रहा, तो इसलिए मोबाइल कभी नीचे रहा कभी ऊपर जा रहा है। तो गाइस हम लोग यहाँ पे मतलब क्या मजा आ रहा है, एक बात बताओ यार अभी भी है यार, और मेरे पैर ना पूरे किचन में घुस गए, पूरी तरीके से किचन में घुस गए, और वहाँ पे जाके पानी में मैंने धोया पैर। तो गाइस आज ना पार्टी का मजा ही आ जाएगा, है ना वैजुर भाई? अरे वैजुर भाई अबे ओ चिल्ला रहा हूँ वीडियो के बीच में, सुनाई नहीं दे रहा, मेरी इज्जत कब आएगा क्या? मत कर रहा हूँ ना, तो वो सब छोड़, आज पार्टी में मजा आएगा, जरूर मजा आएगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तो लड़की लाना चाहिए था, अरे तेरे के भाग रहा है, ये सब लड़कियाँ होता है कि हमें चाहिए क्या, मतलब जैसे रेत के बीच में जैसे गोवा में होता है ना पूरा कमर। अरे भाई ये गोवा नहीं है, ये इंडिया है। क्या बात कर रहे हैं, इंडिया में ही है गोवा भाई, मतलब ये गोवा नहीं है हमारे गोवा नहीं, ये वीडियो जाएगा यूट्यूब में तेरी वजह से। हाँ एक अच्छा नाम दे दिया हमारे फैजुर भाई ने, ये है हमारा सेकंड हैंड दुबई इन असम। अरे ये लोग कहाँ गए, जूम करके देखता हूँ। तो गाइस यहाँ पे सब लोग बैठ चुके हैं हमारे बाहर से, हम थोड़ा काम से के लिए बाहर गए थे। तो ये है पूरा व्यू, ये है दुबई लाइट, मतलब कि सेकंड हैंड दुबई हमने खरीदा है, सेकंड हैंड दुबई। तो देखते हैं क्या नहीं होता है क्या होता है। हबीबी वेलकम टू सेकंड हैंड दुबई, ये सेकंड हैंड दुबई है दोस्तों। हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे मिट्टी डाल दिया है आसाम से लाकर, वो वहाँ सब रेत है, हमने नदी भी खोद दी है यहाँ पे बिजनेस टीकू भाई काम करते हुए। तो गाइस देख रहे हैं फुक्कर लोग, तो सारी जिंदगी इन्होंने कुछ नहीं खाया। ये है बिट्टू भाई, मामू भाई, अमीनुल 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 अमीनुल, एक बार साहब भाई, एक बार साहब भाई, K20 प्रो भाई। तो गाइस देख सकते हैं साहिद भाई का। तो गाइस जो मैंने बताया आपको जुबैर भाई जीएस, तो ये रहे हमारे सगा कॉलेज के
जुबैर भाई जी एस, बहुत अच्छा लगा रोहित हमारा यूट्यूबर भाई इधर को आया और इधर को आके हमारा जो ये थोड़ा पिकनिक टाइप का जो ये पार्टी है ना इसमें शामिल है। आप लोग गाइस इग्नोर करो ताकि, क्योंकि ये भाई ना है ना ये पॉलिटिक्स का है ना, इसलिए हर बार इसके फैशन जैसे ही लगते है। जो दिल में होता है वही मुँह से निकलता है। तो इस वीडियो को कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये जुबैर भाई की पार्टी थी, तो हम जा रहे हैं भाई। तो गाइस खाना पीना हो गया, तो कैसे किसी जगह से आया था तो आप लोगों ने तो दिखाई, और ये व्यू देखो गाइस सूरज। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। अपने जुबैर भाई की पार्टी थी, तो खाना पीना हो गया, अभी चल मस्त चलते हैं। तो आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।